अफ्रीकी देश तंजानिया की राजधानी दोदोमा में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और तंजानिया की कार्यरत एक भारतीय कंपनी कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के संयुक्त आयोजन में विकलांग पुनर्वास शिविर आरंभ किया गया, जहां पर BSVSS के सचिव और दलनायक भूपेंद्र मेहता ने बताया कि दोदोमा के बेजामिन माकपा अस्पताल में आयोजित विश्व प्रसिद्ध जयपुर फुट कृत्रिम अंग के लिए दिव्यांगों में बड़ा उत्साह देखा गया। मेहता ने कहा कि BSVSS के 7 तकनीशियन और 30 दिवसीय इस शिविर में 300 विकलांगों को लाभान्वित करेंगे। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक DR मेहता ने बताया कि 2019 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और BMVSS के संयुक्त तत्वावधान में RA सलाम में एक पुनर्वास शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 551 विकलांगों को लाभान्वित किया गया था। और DR मेहता ने कहा कि अब तक एशिया अफ्रीका के 42 देशों में BSVSS के 45,000 लोगों को इसने लाभान्वित किया है।